हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमी मलिक, आप सब कैसे हैं? आप सब भी ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नरगिस के कोफ्ते, जिसमें मैंने ये चने ले लिए हैं। ये मेरी खसखस है, इसको भी मैं अच्छे से देख लूँगी पहले जब गेरूँगी। ये मेरा आधा किलो चिकन का कीमा है, जिसको मैंने अच्छे से रात ही धो धा के वॉश करके अच्छे से रख लिया था। ये मेरी प्याज है, दो तीन ये मैंने हरी मिर्च कटिंग करके रखी है प्याज में ही, तो ये भी है। और ये मेरे अंडे हैं जो मेरे उबल रहे हैं। चलिए अब मैं इसमें खसखस में ही मसाले गेर देती हूँ। एक चम्मच में मिर्च है, थोड़ा सा जीरा है, नमक स्वाद अनुसार कोफ्तों में। चलिए अब मैं इन्हें पीस लेती हूँ। ये देख लिया मैंने पीस लिया है, इसी में सब मसाले आपको बता दिए थे अभी कि मैंने गेर लिए हैं। अब ये मेरा ऐसी है, इसी में ही मैं ये मैंने प्याज रखी हुई है, ये मेरे लहसुन हैं, इनको भी मैं पीस लूँगी। चलिए लहसुन प्याज मैंने पीस लिए हैं। अब चलिए सब्जी बनाते हैं। अंडे मेरे उबल चुके हैं, ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, और ये मैंने भगोना रख दिया है मसाले के लिए। इतने में मसाला भूनूंगी, इतने मेरे अंडे हो जाएंगे। चलिए अब इधर मेरा तेल भरा है, मैं इसमें मसाले ले लेती हूँ। नमक स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से गेरें। एक चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच डेढ़ चम्मच मैंने लाल मिर्च गेर ली है। एक चम्मच धनिया, क्योंकि मेरे यहाँ धनिया कम खाया जाता है, वरना धनिया की आने लगती है मेरी फैमिली को, वो चुटकी भर हल्दी। चलिए मसाले मैंने तैयार कर दिए हैं। अब मेरे इतना तेल होएगा, इतने में इसको भी मिक्स कर लेती हूँ और अंडे भी छील लेती हूँ। चलिए गाइस, हमने ये मिक्स भी कर लिया, थोड़ी सी दही है इसको भी मिला लेंगे। अंडे हमने कटिंग करके रख लिए हैं, मसाला मैंने गेर दिया है, अब वो भुन जाएगा। और इसके हम अगर हमारे मतलब कीमा वो हो रहा है, चिपक रहा है, तो हल्का सा आप सरसों का तेल लगाइए, फिर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। चलिए अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और कोफ्ते बना लेते हैं। देखिए भाई, मैंने इसमें दही रख रखी है, दही भी गल चुकी है, मसाला मेरा भुन रहा है। अब मैं कोफ्ते एक बनाती हूँ और फिर इसमें मसाले में गिरती हूँ। ये देखिए कुछ कोफ्ते हमने बना दिए हैं नरगिसी, ये मेरा भी हो रहा है। कुछ कोफ्ते मेरे बन गए हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको सभी चीज़ें बताई जाए। तो ये मेरे कुछ बन गए हैं, कुछ मेरे बच रहे हैं कीमा और कुछ ये रहे, तो अब मैं इन्हें भी बना लेती हूँ, गेर देती हूँ। नहीं देखिएगा, सभी नरगिसों को कोफ्ते गेरती हैं, थोड़ा इसमें कम पड़ गए, छोटा पड़ गया, चलो कोई नहीं, इसमें बना लेती हैं आराम आराम से। ये देखिएगा, एक तरफ से मेरे कोफ्ते हो चुके हैं और दूसरी तरफ से हम ऊपर नीचे कर लिए हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल सही हो चुके हैं। चलिए हल्के हल्के हाथों से हम इसे ऊपर नीचे कर देंगे। ये देखिएगा, मैंने ऊपर नीचे कोफ्ते कर लिए हैं। ये देखिए, इसमें मैं एक गिलास पानी गिर दूँगी, ये मेरा पानी है। अब ये धीरे धीरे पकते रहेंगे, ये देखिए। चलिए फिर आगे आपको 10 से 15 मिनट में इसको पका दूँ, फिर आगे आपको दिखा दूँ। चलिए सब्जी देखते हैं, हमारी सब्जी बन गई है, अब टाइम ले गई। चलिए अब हरा धनिया गिर देते हैं इसमें। हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब गैस को कर देते हैं बंद। हमारी नरगिसी कोफ्ता आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। एक मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। देख ली, एक मैंने निकाल लिया है, इसको मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देख लिया, ये मैंने इसी के अंदर गेर दिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कि हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।